नमस्कार और आपका स्वागत है ऑप्शन ट्रेडिंग सबके लिए में। इस वेबिनार में हम सीखेंगे ऑप्शंस क्या है, कॉल ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, पैसे कब और कैसे बनते हैं, और कॉल ऑप्शन कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं। आपसे विनती है कि ये वीडियो देख के आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू ना करें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके आप बहुत कुछ सीखेंगे जिसके हेल्प से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए आपको पहले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग समझना होगा। मान लीजिए इन्फोसिस का मार्केट दाम है 900 रुपये। आपको ये स्टॉक अगले महीने 30 तारीख को खरीदना है लगभग 900 रुपये में। आपको इस चीज़ का डर है कि शायद ये स्टॉक ऊपर भाग जाएगा, इसलिए आप मेरे पास आके कहते हैं कि आप मुझसे इन्फोसिस का स्टॉक अगले महीने 900 रुपये में ले लेंगे। मुझे आपका सौदा अच्छा लगा, इसलिए मैं मान गया। काफ़ी सरल कॉन्ट्रैक्ट। अगले महीने 30 तारीख को मैं आपको इन्फोसिस 900 रुपये में बेचूंगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। मैं आपको 900 रुपये में इन्फोसिस बेचूंगा अगले महीने, चाहे जो भी दाम हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो आपका फ़ायदा होगा, और अगर ये स्टॉक नीचे गया तो मेरा फ़ायदा होगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं इन्फोसिस के अलग अलग दामों पे मेरा और आपका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है। अगर इन्फोसिस नीचे गया तो आप देख सकते हैं कि आपका फ़ायदा हो रहा है और मेरा नुकसान हो रहा है। जैसे कि जब इन्फोसिस 860 पहुंचता है तो आप 900 रुपये में 860 का स्टॉप लेंगे, जिसके वजह से आपको 40 रुपये का नुकसान होगा। मैं आपको 860 का स्टॉक 900 में बेचूंगा, जिसके वजह से मेरा 40 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी प्रकार 880 पे आपका 20 रुपये का नुकसान और मेरा 20 रुपये का फ़ायदा होगा। 900 पे ना आपका नुकसान होगा, ना आपका फ़ायदा होगा, ना मेरा फ़ायदा होगा, ना मेरा नुकसान होगा। 920 में आप 920 का स्टॉक 900 रुपये में मुझसे खरीद सकते हो, जिसके वजह से आपको 20 रुपये का फ़ायदा है, और मैं आपको 920 का स्टॉक 900 में बेचूंगा, जिसके वजह से मुझे 20 रुपये का नुकसान होगा। इसी प्रकार 940 पे आपका 40 रुपये का फ़ायदा और मेरा 40 रुपये का नुकसान होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन कैसे चलता है। मान लीजिए इन्फोसिस का मार्केट दाम है 900 रुपये। आपको लग रहा है कि इन्फोसिस शायद ऊपर जाएगा, तो आपको डर है कि अगर ये ऊपर गया तो आपका नुकसान होगा, इसलिए आप मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं तुमसे इन्फोसिस अगले महीने 900 रुपये में लूँगा, अगर मैं चाहूँ तो। अब ये अगर मैं चाहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं साफ इनकार करूँगा और बोलूँगा कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं सोचने लग गया कि आखिर आपका कहने का मतलब क्या है। ऊपर गया तो आप मेरे से 900 रुपये में इन्फोसिस का स्टॉक ले लेंगे, मुझे आपको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि आपका हक है खरीदने का। नीचे गया तो आप मेरे से तो स्टॉक नहीं लेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप तभी लेंगे जब आप चाहते हैं तो। तो अगर नीचे जाएगा तो आप मुझसे तो नहीं लोगे 900 में, आप किसी और से 900 के नीचे खरीदेंगे। तो इसको ठीक से समझने के लिए आगे देखेंगे कि इन्फोसिस के अलग अलग लेवल्स पे आपका और मेरा फ़ायदा और नुकसान कितना होता है। तो ऊपर गया तो आप मुझसे 900 में ले लेंगे, नीचे गया तो आप मेरे से स्टॉक नहीं लेंगे, किसी और से लेंगे। अब 860 पे आप इन्फोसिस 860 में लेंगे, इसका मतलब है आपका ना फ़ायदा है ना नुकसान है, और मेरा ना नुकसान है ना फ़ायदा है। 898 पे आप इन्फोसिस खरीदेंगे 898 पर किसी और से, तो आपका ना फ़ायदा है ना नुकसान है, और मेरा नुकसान है ना फ़ायदा है। 899 पे आप स्टॉक 899 में ही खरीदेंगे किसी और से, ना आपका फ़ायदा ना मेरा नुकसान। 900 रुपये में आप
इन्फोसिस का स्टॉक चाहे मुझसे ले सकते हो, किसी और से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी का ना फायदा है ना नुकसान है। 901 पर आपको 901 का स्टॉक 900 में मिल रहा है, इसमें आपको 1 रुपये का फायदा होगा। अगर मेरे पास वो स्टॉक नहीं है तो मुझे किसी और से ये स्टॉक 901 में लेके आपको 900 में बेचना पड़ेगा। इसलिए जब आपका 1 रुपये का फायदा होता है, मेरा 1 रुपये का नुकसान होता है। 902 पर आप 902 का स्टॉक 900 में ले रहे हो, इसमें आपको 2 रुपये का फायदा होगा और मुझे 2 रुपये का नुकसान, क्योंकि मैं आपको 902 का माल 900 में बेच रहा हूँ। 903 पर आपको 903 का स्टॉक 900 पे मिल रहा है, इसलिए आपका 3 रुपये का फायदा और मेरा 3 रुपये का नुकसान होगा। 904 पर आपका 4 रुपये का फायदा और मेरा 4 रुपये का नुकसान होगा। 930 पर आपको 930 रुपये का स्टॉक 900 में मिल रहा है और मैं आपको 930 का स्टॉक 900 में बेच रहा हूँ, इसलिए आपका 30 रुपये का फायदा और मेरा 30 रुपये का नुकसान। 930 का नंबर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हम फिर से देखेंगे। और अंत में 960 पर आपका 60 रुपये का फायदा और मेरा 60 रुपये का नुकसान। तो आखिर कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? आपका हक है मुझसे इन्फोसिस 900 रुपये में खरीदने का। अब इस 900 की संख्या को हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। इन्फोसिस 900 कॉल का मतलब है 900 में खरीदने का हक। इन्फोसिस 910 कॉल का मतलब है 910 में खरीदने का हक। और मेरा कोई हक नहीं है आपको ये स्टॉक बेचने का, सिर्फ आपका हक है खरीदने का, मेरा कोई हक नहीं है बेचने का। आप ये भी देख सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में फायदा सिर्फ आपका है और नुकसान सिर्फ मेरा है। हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऑप्शन खरीदने वाला इंश्योरेंस खरीद रहा है ऑप्शन बेचने वाले से। तो मुझे अब ये पता है कि आपको मैं सुरक्षा दे रहा हूँ। जब LIC यानी कि जीवन बीमा निगम आपको लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा देती है, वो आपसे एक प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी आपसे कुछ पैसे लूँगा, जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम। तो आप मुझसे इंश्योरेंस ले रहे हो, इसके लिए आपको मुझे कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस मुफ्त में नहीं मिलता। आप मुझे 30 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पहले देंगे। तो प्रीमियम आ गया मेरे पास, लेकिन ये प्रीमियम 30 रुपये क्यों है? क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि इन्फोसिस का स्टॉक 3% लगभग के ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब 930 रुपये। पिछले टेबल से हमें पता है कि 930 जाने पर मेरा नुकसान 30 रुपये का है। इस नुकसान के लिए मैंने आपसे 30 रुपये प्रीमियम मांगा, और अगर इन्फोसिस 930 के नीचे है तो मेरा नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। अब हम फायदा और नुकसान देखेंगे। पहला सिनेरियो है इन्फोसिस 960 पर। इस सिनेरियो में स्टॉक पे आपका 60 रुपीज़ का फायदा होगा, लेकिन आपने 30 रुपये का प्रीमियम दे रखा है तो आपका कुल फायदा हुआ 30 का। स्टॉक पे मेरा 60 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन 30 का फायदा प्रीमियम से मेरा हुआ, तो मेरा कुल नुकसान है 30 रुपये का। दूसरा सिनेरियो है इन्फोसिस 910 पर। इस सिनेरियो में स्टॉक पे आपका 10 रुपये का फायदा होगा, लेकिन 30 रुपये का प्रीमियम आपने मुझे दिया है, इसलिए आपका कुल नुकसान होगा 20। स्टॉक पे मेरा 10 का नुकसान होगा, लेकिन 30 का प्रीमियम आपने मुझे दिया, इसलिए मेरा कुल फायदा होगा 20 का। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं, स्टॉक ऊपर गया फिर भी आपके पैसे नहीं बने बल्कि आपका नुकसान हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रीमियम जो मुझे दे रखा है उसको आप कवर नहीं कर पाए। अब आपके लिए एक सवाल, इन्फोसिस अगर 850 गया तो क्या होगा, ये आप सोचिए। अब हम सबसे बड़ा सवाल का उत्तर देंगे, वो है पैसे कब बनेंगे। तो मैथमेटिकली अगर इसको एक फॉर्मूला बनाया जाए, तो अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो
स्टॉक का एक्सपायरी दिन पे प्राइस, मतलब एक्सपायरी प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से ज़्यादा है तो आप पैसे बनाएंगे। अगर आपने कॉल ऑप्शन बेचा तो एक्सपायरी दिन का प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से कम है तो आप पैसे बनाएंगे। अब हम इन्फोसिस के अलग अलग प्राइसेस पर आपका फ़ायदा और नुकसान का एनालिसिस करेंगे, इस बार प्रीमियम जोड़ के। 900 पर स्टॉक पे मेरा कोई नुकसान नहीं और मुझे 30 का प्रीमियम मिला, मेरा कुल 30 का फ़ायदा। स्टॉक पे आपका कोई फ़ायदा नहीं और प्रीमियम 30 गया, कुल 30 का नुकसान। 920 पर स्टॉक पे मेरा 20 का नुकसान और प्रीमियम पे 30 का प्रॉफिट, तो मेरा कुल 10 का फ़ायदा। स्टॉक पे आपका 20 का फ़ायदा और प्रीमियम पे 30 का नुकसान, तो कुल 10 का नुकसान। 930 पर स्टॉक पे मेरा 30 का नुकसान और प्रीमियम पे 30 का फ़ायदा, मेरा कुल 0 का फ़ायदा, आपका भी 0 का फ़ायदा। 950 पर स्टॉक पे मेरा 50 का नुकसान, लेकिन प्रीमियम से मुझे 30 मिला, तो मेरा कुल 20 का नुकसान, आपका 20 का फ़ायदा। 1000 पर स्टॉक पे मेरा 100 का नुकसान और 30 का प्रीमियम, मेरा कुल 70 का नुकसान, आपका 70 का फ़ायदा। इन्फोसिस का स्टॉक अगर 10,000 गया, जो थोड़ा असंभव है, लेकिन मान लीजिए अगर गया, तो स्टॉक पे मेरा 9,100 का नुकसान होगा और 30 का प्रीमियम मिलेगा, तो मेरा कुल 9,070 का नुकसान और आपका उतना ही फ़ायदा। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका फ़ायदा होगा तो मेरा नुकसान होगा, और अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा फ़ायदा होगा। इसको अंग्रेज़ी में हम ज़ीरो सम गेम बोलते हैं, यानी कि कुल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका प्रॉफिट और लॉस अगर आप ऐड करेंगे तो ज़ीरो होगा। आप ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन बेचने वाले का नुकसान असीमित है और ऑप्शन खरीदने वाले का नुकसान, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नुकसान, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम है। अब हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा। कॉल ऑप्शन का मतलब है खरीदने का ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम का मतलब है ऑप्शन की कीमत, एक्सपायरी वो दिन है जिस दिन ये ऑप्शन ख़त्म होता है, इसका मतलब ये है कि मेरे और आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक दिन खात्मा होता है, उस दिन के बाद आप मुझसे आके स्टॉक खरीद नहीं सकते हो, उस दिन को बोलते हैं एक्सपायरी। नॉर्मली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी स्टॉक्स और इंडेक्स ट्रेड होते हैं उनका एक्सपायरी हर महीने का लास्ट थर्सडे होता है। हमने ये भी सीखा कि ऑप्शन एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन खरीदने वाला सुरक्षा खरीदता है और उसका फ़ायदा असीमित है, ऑप्शन खरीदने वाले का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रीमियम है, ऑप्शन बेचने वाला सुरक्षा देता है और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रीमियम है, ऑप्शन बेचने वाले का नुकसान असीमित है। स्ट्राइक प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जिस प्राइस पे आप स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं। उदाहरण, इन्फोसिस 900 स्ट्राइक का कॉल, मतलब इन्फोसिस 900 पे खरीदने का हक, इन्फोसिस 920 कॉल, मतलब इन्फोसिस 920 पे खरीदने का हक, और इन्फोसिस 940 कॉल, मतलब इन्फोसिस 940 पर खरीदने का हक। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं। अगर एक स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, लेकिन ऊपर गया तो पैसा बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने प्रीमियम पहले ही दे रखा है और आपको पहले वो पूरा प्रीमियम रिकवर करना पड़ेगा। अगर बहुत ऊपर जाएगा तो आप कॉल ले सकते हैं, और आपको तभी कॉल लेना चाहिए जब आप बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर नहीं जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, इसमें ऊपर नहीं गया तो आप पैसा बना लेंगे क्योंकि प्रीमियम आपको मिल रहा है। अगर हल्का सा भी ऊपर जाएगा तो भी आप कॉल बेच सकते हैं क्योंकि प्रीमियम आपको थोड़ा पैसा देगा जो आपका नुकसान को ऑफसेट करेगा। इसी के साथ हम इस वेबिनार के एंड में पहुंच गए। ऑप्शन ट्रेडिंग सबके लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद।